यार, मतलब कि देखिए भाई, सबसे बड़ा पैसा है। अगर आज हम यूट्यूब, अगर हम लोगो बनाए हुए चैनल बनाए हैं, तो हकीकत कुछ चीज से टेंट हाउस से ही कमा करके आज इतना मकाम तक पहुँचे। ये भाई भाई बोला गाड़ी दिखा रहा, भाई गाड़ी क्या दिखाएंगे भाई, इंसान से बढ़कर कोई चीज है? गाड़ी के पैसा आपके पास आप लोग, मेरे पास पैसा मैं ले लूंगा। हम जो बात है, हम टेंट हाउस से भाई, लोग सिगरेट विगरेट पी रहा भाई। इंसान पैसा को बनाया, पैसा इंसान को नहीं बनाया है कि नहीं? लगता है अपने आरी भाई ऑलवेज अपना भाई काफ़ी मेहनत से काम करता है। मेरा ही नहीं भाई, जितने लोग आते हैं ना, सबका अच्छा से काम करते हैं। और भाई रीज़न क्या था कि मैं आरिफ 6 महीना हुआ होगा एलिमिनेशन, 6 से 8 महीना हो गया है एलिमिनेशन। मुझे कहीं भी लोग जो देखता है ना भाई, तो भाई लोग बोलता है भैया आपने एलिमिनेशन कराया, पता ही नहीं चलता भैया आपको लग रहा है कि एलिमिनेशन हुआ भाई। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया एलिमिनेशन कराने के बाद क्या भाई का कलर ख़राब हो जाता है, भाई कलर डिस्कलर हो जाता है, जब एलिमिनेशन को हम लोग उखाड़ते हैं तो क्या कलर चली जाए? ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी सीन नहीं भाई। देखो तो भाई लोग बस मोबाइल नहीं, अच्छी बात है, बच्चे भाई मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना, पढ़ाई पर ध्यान देना है। हाँ अभी लेना भी नहीं है, अभी मत लो। मैं टेंथ क्लास के बाद ही मोबाइल लिया था भाई। तो भाई लोग अपने चैनल का नाम लिख के दे रहा हूँ। तो भाई देखो यहाँ पे लेमिनेशन डन हो गया है सारा कुछ। अब आप देखो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं दिख रहा आपको, आप देखो ये भाई अपना उखाड़ेगा, आप देखो। ओए होए होए, देखो भाई तो नया से नया लग रहा है क्या? देखो भाई कितना ग्लोसी लुक आ रहा है खिल के भाई। वो यहाँ पे आना चाहे तो उसका लोकेशन बता। ये लोग सकमा पुल आरी पार्क प्लेस, ये इसको ले लीजिए, जीप शिव, जीप सीधा ये दिखा देते हैं। ये देखो शिव जनरल स्टोर है ना, ये जो सर्विसिंग का दुकान है, यहाँ पे देखो सर्विसिंग का दुकान भी है ना। हाँ। यहाँ पे आ सकते हैं भाई, कॉन्टेक्ट नंबर बोल दिए तो अपना 7982। हेलो, कैसे मेरे बिहार के निवासी, आई होप आप लोग तंदुरुस्त होंगे भाई। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। और हो सकता है मेरी वीडियो आप लोग ईद के 2-4 दिन के बाद देख रहे हो। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई अगेन दरभंगा अपनी बाइक में कुछ काम करवाना। और काम क्या है वो ये भाई, अपनी बाइक में लेमिनेशन मुझे करवाना है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी भाई जिसमें अपनी बाइक के लेमिनेशन हो गई थी, और कितना टाइम हुआ, कितना टाइम लेमिनेशन ख़राब हो जाता है, और किस वजह से मैं इतना जल्दी फिर लेमिनेशन करवा रहा हूँ, तो सारी बात करेंगे रोड पर। तो भैया रही अपनी भाई ब्यूटी, जिसका नाम मैंने मेहनत रखा आप लोगों को बताया भाई। और बाइक देख लो क्या चमचमा रही भाई, और बाइक मैंने कराया था लेमिनेशन। और जो भी बंदा देखा ना भाई, उसको मतलब ये पता ही नहीं कि बाइक में लेमिनेशन हुआ है। इनफैक्ट अच्छा तुमको लग रहा है कि बाइक में लेमिनेशन हुआ, पन्नी चपका है, लगा कहीं से? कोई भी जज ही नहीं कर सकता कि बाइक में पन्नी लगा हुआ, देखो। चलो भाई यहाँ पर अपने भाई लोग मिल गए थे भाई, और भाई लोग बुरा मान के, भाई भाई अरे भाई आप तो बहुत बुरा बोल रहे हो यार। नहीं नहीं आप नहीं, देखिए बिल्कुल पर्सनल नंबर आपको मिलेगा, मेरी बात सुन लीजिए। आप थोड़ा मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए, ठीक है? हम फ्लोवर तलोवर नहीं दिखाते, सब मेरा भाई, जितना मेरा फ्लोवर है सब भाई लोग है, ठीक है? बिल्कुल नंबर देंगे, लेकिन पहले अभी तो पहली बार आपसे मिला हूँ। पहली बार इंस्टाग्राम किस लिए होता है कि आप बातचीत करो, आपका कॉन्टेंट देखेंगे, आप अच्छा मेहनत करोगे, बिल्कुल साथ में राइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले तो कैजुअल होना जरूरी पड़ता ही नहीं पड़ता, ऐसे सब मांगेगा तो सबको कहाँ से दे पाएंगे? आप थोड़ा बात अगर समझ सकते हो समझो भाई, नहीं तो हमको अभी प्यारी से आपको समझा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात है? बाइक टैग वाली बात अब क्या, मेरा भाई बाइक वाली बात मेरे पास वही है भाई, हम भी वही से स्टार्ट किए यार। बाइक से कोई बड़ा होता है? मेरे पास गाड़ी है। अब बाइक से कोई बड़ा होता है यार, पड़ता है आदमी को। अभी हम जा रहे थे, हाँ मेरा सबसे बड़ा, अरे भाई समझ रहे हैं, सब दो पौने दूला। नहीं देखिए भाई, सबसे बड़ा पैसा है। अगर आज हम यूट्यूब, अगर हम लोगो बनाए हुए चैनल बनाए हैं, तो हकीकत कुछ चीज़ से टेंट हाउस से ही कमा करके आज इतना मकाम तक पहुँचे, क्रम है कि बहुत मेहनत करने के बाद हम इतना। अच्छी ठीक है, नहीं नहीं मेरी बात ये है कि आप जो बोलेगे गाड़ी है तो भाई ऐसा कोई बात नहीं भाई, मेरे पास भी छोटी गाड़ी, क्या भाई वो गाड़ी वाली बात नहीं है, आप गलत ही सोचे हो भाई, आपकी सोच ही गलत है। गाड़ी वाली बात मैं किया हूँ आपसे, गाड़ी वाला बात आपसे किया हूँ मैं, बिल्कुल नहीं किया हूँ यार। आप ऐसी बात करके मुझे दुखी कर रहे हो, आप छोटा कर रहे हो यार। नहीं नहीं आप बिल्कुल दुखी क्यों मुझे यार, ये गाड़ी दिखा रहे हो आप, ये वो आपको कह रहे हैं कि मान लीजिए सपोर्ट की गाड़ी है, एग्जांपल नहीं नहीं अरे भाई नहीं 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 पीते नहीं पीते नहीं नहीं पीते नहीं नहीं ये भाई भाई बोला गाड़ी दिखा रहा, भाई गाड़ी क्या दिखाएंगे भाई, इंसान से बढ़कर कोई चीज है? पैसा आपके पास आप लोग, मेरे पास पैसा मैं ले लूंगा। हम जो बात है, हम टेंट हाउस से भाई लोग सिगरेट विगरेट पी रहा भाई, बुरा मत माना, आप बुरा नहीं ना माने हो। हाँ भाई चलो ठीक है, ठीक चलो ठीक है भाई, चलो ठीक ठीक। नाम क्या बताया आपने अपना? परवेज। आपका जियाउद्दीन, ठीक निकल दे भाई। चलिए ठीक, इंस्टाग्राम में जाइए, बात करें, कोई दिक्कत नहीं, बस बुरा मत माना यार, पर गाड़ी वाली वाला बात कर दिया आप। इंसान पैसा को बनाया, पैसा इंसान को नहीं बनाया है कि नहीं? ठीक है बाय।
भाई क्या करो, चलो ये भी भाई का प्यार है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि भाई अपने नंबर में मुझसे मांग रहे थे। बट यार आप ही सोचो ना, कितने लोगों को मैं नंबर दे पाऊँगा अभी बताओ। अब ये लोग को लगता है कि भाई बड़े ये लोग सेलिब्रिटी हो गए, बाइक हो गया तो नंबर नहीं देता, इसी पर बात नहीं। मैं अपने आप को सेलिब्रिटी कभी नहीं मानता भाई, है ना, आप लोग मैं फ़ैन मानता हूँ जो भी मेरे सब्सक्राइबर है। मैं सोचता अपना भाई लोग है भाई, अब जितना भी मेरा फॉलोवर है भाई सब अपना भाई लोग है, कोई फैन वाला कोई बात भाई, मैं फैन वैन भाई ये सब पे बिलीव नहीं करता, मैं मानता भी नहीं भाई। जितना मुझे सपोर्ट करता भाई लोग सब अपना भाई लोग है भाई, और भाई लोग जो अपने हैं ना भाई मुझे समझ सकते हैं कि नंबर मैं क्यों नहीं देता हूँ भाई। और ऊपर से मैं ड्यूटी वाला आदमी भाई, अगर आप कॉल करोगे तो मैं वैसे भी पिक नहीं कर पाता हूँ, तो और आप लोग बुरा मान जाओगे। इंस्टाग्राम मेरा प्रोफेशनल है, इसी चीज़ के लिए मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैंने बनाया है, जिसको जो पूछना सवाल जवाब जो चीज़ है भाई सब कुछ इंस्टाग्राम पर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई इतना बुरा मान गया भाई, अब तो सामने में एकदम सिगरेट विगरेट सब मार रहे भाई साहब। भाई तो बोला कि आपको बस गा रही है तो वैसा वैसा कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। इधर जाम नहीं मिला ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब दरभंगा आओ मिर्ज़ापुर में जाम नहीं मिले भाई, तो मतलब आपका दरभंगा आना सफल नहीं रहा भाई। ओ भाई टमटम में देखो अंकल बैठे हुए हैं भाई, क्या कर सकते हैं, धूप लग रहा है, अंकल गमछा वमछा पर रख रहे हैं छत के सर के ऊपर। क्या लफू है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा कोई बात नहीं। क्या रही बाबू, ईद मुबारक पापा। तो ये रहे भाई अपने दरभंगा के जाने माने लफू भाई, इनका दुकान आप लोगों को पता है ना भाई, भैया ने पहली बार दरभंगा में लेमिनेशन किया था, वीडियो हो गया वायरल, पता है खूब तगड़ा व्यू जा रहा है उस पर। शैम्पू में मार रहे एकदम, क्या रही भाई बिना शैम्पू के नहीं होने वाला है। तो लेमिनेशन में ज़्यादा बाइक जो होता है काम थोड़ा ज़्यादा इसमें होता है, और ज़्यादा मेहनत भी लगता है। वहाँ पर जब वो रैपिंग हो रहा है तो रैपिंग में शैम्पू पानी की कोई ज़रूरत नहीं भाई, सीधा लोग चपकाओ और हीट गन का बस यूज़ करो। इसमें हीट गन भी यूज़ होगा भाई, दो आदमी थोड़ा चाहिए, पानी शैम्पू सब मारो तो डेफिनेटली इसमें भाई मेहनत लगता है। और अपने आरी भाई ऑलवेज अपना भाई काफ़ी मेहनत से काम करता है, मेरा ही नहीं भाई, जितने लोग आते हैं ना सबका अच्छा से काम करते हैं। और भाई रीज़न क्या था कि मैं आरिफ 6 महीना हुआ होगा लेमिनेशन कराए बाइक में, ज़्यादा 6 महीना ना, तो भाई क्या रीज़न था जो मैं 6 महीना भी नहीं हुआ सही से मैं फिर से लेमिनेशन करा रहा हूँ भाई। तो रीज़न ये था भाई, बिहाइंड द सीन बता देता हूँ आप लोग, बताए मेरी बाइक एक्सीडेंट हो गई थी, यू नो एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ था सीना भाई, अपना ये वन साइडेड जो पूरा फेयरिंग ख़त्म हो गया था, ये वाली पार्ट्स पूरा ख़त्म हो गया था, तो क्लेम में मैंने क्लेम कर दिया था। तो बाइक जब बन के आया ना भाई, तो इस साइड का लेमिनेशन मुझे करवाना था और इस साइड का ये वाला पार्ट भी नया लगा था, जिस वजह से सिर्फ ओनली फॉर लेफ्ट साइड का मैं लेमिनेशन करवा रहा हूँ। इस साइड का टैंक में कुछ नहीं हुआ था, और टैंक में सेम लेमिनेशन एज इट इज़ मुझे नहीं करवाना है। और इस साइड का भी लेमिनेशन जो मैंने करवाया था, तो इस साइड अभी भी देखो लेमिनेशन में कुछ भी नहीं हुआ भाई, 6 महीना आई थिंक 6 या 8 महीना हुआ होगा भाई, तो लेमिनेशन में थोड़ा थोड़ा कुछ भी आपको कहीं में गड़बड़ नहीं लगेगा। नीचे में थोड़ा देख लो हल्का उभर गया भाई, तो इतना चलता है, इतना नीचे पार्ट्स है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना भाई तो सहना पड़ेगा। बाकी 6 से 8 महीना हो गया है लेमिनेशन मुझे कहीं भी, लोग जो देखता है ना भाई, तो भाई लोग बोलता है भैया आपने लेमिनेशन करा है, पता ही नहीं चलता भैया आपको लग रहा है कि लेमिनेशन हुआ भाई, मतलब दूर से देख पता चल रहा है भाई, दूर से लगता है कि बाइक लेमिनेशन हुआ है, दूर से लग रहा है आपको, अभी जब जान गए हो तो बोलोगे हाँ। दूर से भाई जो भी बंदा देखा है ना, कोई भाई नहीं बोला था भैया आपकी बाइक लेमिनेशन है, बट नज़दीक आओगे तो दूर जैसे ही देखो। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया लेमिनेशन कराने के बाद क्या बाइक का कलर ख़राब हो जाता है, बाइक कलर डिस्कलर हो जाता है, जब लेमिनेशन को हम लोग उखाड़ते हैं तो क्या कलर चली जाए, इससे कोई बात नहीं, कोई भी सी नहीं भाई। देखो अब इसको उखाड़े हुए आराम से उखाड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, देखो पूरी लेमिनेशन पैक है। बहुत सारे लोग बोलता है कि लेमिनेशन कराने के बाद बाइक कलर जाता है, नहीं ना जाएगा, इसको कोई उखाड़ेगा तो नहीं जाएगा। देखो भाई बाइक का मतलब ये ऑनर है भाई दुकान के, और ये काम ये भी करते भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जब भी चाहो लेमिनेशन आप उखाड़ सकते हो, उसका कलर नहीं जाएगा भाई, गारंटीड है भाई, मैं भी कराया हूँ, कलर नहीं किया अपना जो फेयरिंग टूटा था ना, तो मैंने इसका लेमिनेशन उखाड़ा था शोरूम में, तो कुछ भी कलर नहीं किया था भाई, तो मेरे बात पर ट्रस्ट है, तो करवा लो, बाइक का हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, बाइक का लॉन्ग लाइफ तक चलेगी, बाइक में कहीं स्क्रैच नहीं आएगा, जब बेचना चाहोगे ना अच्छा खासा पैसा में बाइक बिक जाएगा भाई, तो इससे अच्छा चीज़ क्या है भाई। शैम्पू वैम्पू पानी वानी सब लगता है, रैपिंग से ज़्यादा मेहनत है संजीव भाई ने इसमें, रैपिंग से बहुत ज़्यादा मेहनत है ना, बहुत मेहनत है, देख लो भाई संजीव भाई शैम्पू वैम्पू सब मार रहे हैं, हीटगन मार रहे हैं, देखो कितना मेहनत है भाई। तो हाँ लेमिनेशन कराओ बाइक का, आपका लाइफ अच्छा रहेगा, स्क्रैच नहीं आएगा, जब बेचना चाहो बाइक को लेमिनेशन को उखाड़ दो, बाइक आपकी न्यू जैसे ब्रांड उसी तरह रहेगी भाई। उसके बाद फिर जैसे काम हो जाएगा तब क्या पैसा वैसा जो लगाए तो अपने लफू भाई बता देंगे आप लोग को। तो भाई लोग बस मोबाइल नहीं अच्छी बात है, बच्चे भाई मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना, पढ़ाई पर ध्यान देना है, अभी लेना भी नहीं है, अभी मत लो, मैं 10th क्लास के बाद ही मोबाइल लिया था भाई, तो भाई लोग अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, हाँ तो अभी लेना भी नहीं भाई, सलमान
नहीं इंस्टा आई डी इंस्टाग्राम हाँ इंस्टा दोनों है ठीक है। चलो सब्सक्राइब करवाओगे कितना करवा दोगे बोलो कितना कराओगे बोलो ईमानदारी बताओ कितना करा दोगे भाई का लुक देख रहे हो फुल टू टाइट विधायक लग रहा है भाई अपना भाई जब भी मैं दरभंगा आता हूँ इनफैक्ट जितने भी दरभंगा क्रिएटर है सबको अपने आरिफ भाई दिल से सपोर्ट करते क्या आरिफ भाई दिल से चाहते और अच्छा लगता है भाई कि लोग क्योंकि मतलब लोग चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े दरभंगा से है कि नहीं तो अच्छा लगता है लोग इस तरह सपोर्ट करते हैं क्योंकि आज के ज़माने में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपको भाई उठाना चाहते नहीं तो आप समझ सकते हो कि मेरा से लोग बहुत सारे लोग तो भाई चाहते हैं कि बंदा आगे जा ही नहीं और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सब अपना भाई लोग हैं और भाई लोग तो चाहेगा ना कि अपना बड़ा भाई आगे जाए भाई तो ऐसे अच्छा लगता है। तो भाई देखो यहाँ पे लेमिनेशन डन हो गया है सारा कुछ आप देखो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं दिख रहा आपको आप देखो ये भाई अपना उखाड़ेगा आप देखो ओए होए होए देखो भाई ये तो नया से नया लग रहा है क्या था देखो भाई कितना ग्लोसी लुक आ रहा है खिल के भाई और अपने भाई आदि भाई बोले थे कि ये तो गंदा गंदा दिख रहा है मैं मैंने बोला भाई वेट एंड वॉच देखो अभी आप जाकर देखो आप कैसा लगा अच्छा लगा अब पूरा साइनिंग दिख रहा है भाई नहीं इस शॉप में क्या क्या सर्विस अवेलेबल है तो अपने लफू भाई हेलो ओके लफू भाई इसलिए बोलो भाई आप लोग गलत सेंस मत लेना यहाँ पे कॉमन नाम लफू भाई के नाम से उनको सब जानते हैं इसलिए लफू भाई बोलते हैं। लफू भाई का ये लड़का देख लो आरिफ नाम है और दुकान का नाम भी आरिफ आर्ट प्लेस है भाई। चलो मैं आपको दिखाता हूँ चेकआउट करो ये देख लो ए भाई साहब अभी तो क्या क्या रखा भाई इधर देख आरिफ आर्ट प्लेस है देख लो अपना फाइनली भाई लेमिनेशन डन हो गया है अभी चल रहा है यहाँ पे लाइनिंग का काम ये इसलिए दिया जाता है भाई देखो ब्लैक ब्लैक कि ये कभी उखड़े ना क्या हो संजू भाई पानी वानी से धोओगे भाई हाथ वात मारोगे ये उखड़ेगा नहीं तो पता चला इसे करोगे ना तो उखड़ जाएगा फिर धीरे धीरे उखड़ता चल जाएगा ये उसको बचा के रखता है। यहाँ पे क्या क्या सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे लोग कराना चाहे तो सब कुछ का है जैसे जब मॉडिफाई करवाइए स्टिकरिंग का जैसे स्क्रेच लग जाता है टोटल काम हो जाता है रैपिंग रैपिंग जितना सब सब हो जाता है बाइक का जो मॉडिफिकेशन बोल स्टिकर स्टिकर कलर चेंज करना जैसा दिखाइए हम दिखाएंगे और दूसरी चीज वो यहाँ पे आना चाहे तो उसका लोकेशन बता ये लोग सकमा पुल आरिफ आर्ट प्लेस ये इसको ले लीजिए जीप शिव जीप हाँ ये दिखा देते हैं ये देखो शिव जनरल स्टोर है ना सर्विसिंग का दुकान है यहाँ पे जो सर्विसिंग का दुकान भी है ना यहाँ पे आ सकते हैं भाई कॉन्टेक्ट नंबर बोल दिए तो अपना 7982406409 इस पर वो कॉल करके कॉल करेंगे हम बताएंगे अपने भाई इसे तंग मत करने जो काम करवाना वही कॉल करना ऐसे परेशान भैया मत करना भैया बहुत बिजी रहते हैं मैट था ना ये मैट ले बेकार था पूरा एकदम सही बना दिए भाई काम से खुश हुआ भैया के बहुत पूरा बहुत ज्यादा कैमरा के सामने झूठ तो नहीं बोल रहे भाई नहीं कैमरा चलो भाई ठीक है वैसे भी जेनुअन काम करते लगे भाई और कस्टमर बोल रहे भाई तो झूठ बोले क्या मिले क्या भाई पैसा पे कर रहा है फ्री हो नहीं रहा कैसा लग रहा है मेरा ये लफू भाई का शॉप है देख लो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो भेंट कर सकते हो और अपने लफू भाई अच्छा आप एक मिनट लफू भाई और कोई अपने मेरा नाम लेगा चैनल का तो कुछ उसको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा काहे नहीं मिलेगा मिलेगा काहे नहीं मिलेगा लफू भाई मिलता कई बार दिए नहीं है हाँ भाई जो ये अपने भाई का नाम ले रहा है सलमान भाई के थ्रू आए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं भाई ओके। अभी हम लोग आ चुके हैं राज में भाई थोड़ा अपने भाई लोग से मिलना है भाई लोग बोले भैया ईद पे आप मिले नहीं तो थोड़ा मिल लो हम लोग से भी बोले चलो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई उधर रिएक्शन देखना भाई साहब एग्जॉस्ट का रिएक्शन मिलेगा तगड़ा तगड़ा ओ माय गॉड इधर झूला उड़ा लगा भाई। तो भाई चलो अब बात कर लेते भाई की फाइनल कितना में अपना लेमिनेशन डन हो गया भाई। तो भाई मैं आप लोग बता दूँ आप लोगों को बता कि मेरी बाइक इससे पहले फुल लेमिनेशन हुई थी और जिसका कॉस्ट मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कितना मुझे कॉस्ट पड़ा था। अभी आज वाली वीडियो में भाई मैं बता देता हूँ आप लोगों को मेरी पूरी बाइक फुल लेमिनेशन नहीं हुई है एक साइड का बस जो अपना गार्ड है लेमिनेशन हुआ है लेफ्ट साइड का फेयरिंग ये वाला लेमिनेशन हुआ है और सामने का फेयरिंग अपना लेमिनेशन हुआ भाई। और अगर पूरी बाइक का जानना चाहते हो कितना पड़ा मुझे लेमिनेशन भाई तो आप जाओ वहाँ पर आपको मैक्सिमम बोल दूँ चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2000 रुपया में लेमिनेशन आपका आई थिंक हो जाना चाहिए कर देंगे वो और मेरा नाम लोगे भाई तो डिस्काउंट भी कुछ ना कुछ जरूर भैया कर देंगे। तो जाओ काम भी काफ़ी अच्छा करते हैं और ऐसा नहीं कि पूरी बाइक लेमिनेशन करवाना तभी जाओ जस्ट लाइक आपको सिर्फ टैंक करवाना तभी जा सकते हो सिर्फ वाइजर करवाना तभी जा सकते हो।
भाई आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला सरप्राइज भाई, वो क्या सरप्राइज है आगे आप लोग को बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो बस वीडियो में बने रहो तभी वो सरप्राइज आप लोग जान पाओगे भाई लोग। ओके इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते जरूर कर लेना। ओके बाय बाय।